इसमें उन्होंने हमारे मिनिस्टर साहब ख्वाजा सलमान रफीक साहब को खसूसी हिदायत की कि हमारे टाउन कमेटी में ये फिल फॉर शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो इंटरचेंज मोटरवे के लगते हैं और यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो तो उसको फिल फॉर अगर कोई भी रिजॉल्व कर सकता है तो ये 112 की सर्विस है जिससे हम उन्हें फिल फॉर हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं और फर्स्ट एड दे सकते हैं। और मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह जो उन्होंने मोटर बाइक का कहा है, मोटर बाइक के लिए मैं इंशाल्लाह खुद भी ख्वाजा सलमान साहब से बात करूँगा, उन्हें कहूँगा कि वो बहुत जल्द अज जल्द जैसे ही ऑपरेशनल और हमारा ये जो ही पहला इजलास आता है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने मोटर बाइक का प्रूफ कराएँ और साथ ही 1122 की जो इन्होंने कहा एक और मोबाइल चाहिए इन्हें इंटरचेंज के लिए, इंशाल्लाह मैं उसकी भी अप्रूवल इन्हें लेके दूंगा। और हमने देखे सब लोग साथ पहले अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ, उसके बाद अपनी पंजाब हुकूमत का शुक्र गुजार हूँ और उनके मिनिस्टर हमारे ख्वाजा सलमान रफीक साहब का, जिनको मैंने दो चार दफ़ा रिमाइंड कराया होगा और उस पर उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए टाउन कमेटी की पहली जो है 112 का ऑफिस ऑपरेशन के, इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया को भी मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने कमिश्नर साहब को, DC साहब को, बाकिर साहब को और हमारे नए आने वाले AC साहब को जो कि बहुत ही पोटेंशियल रखकर उन्हें काम करने का शौक है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह यहाँ पे तमाम काम अच्छे होंगे और अच्छे कामों की बुनियाद रख दी गई है। जो तरक्की का सफ़र 2018 में रुक गया था उसका तसलसल अब दोबारा जारी हो गया इंशाल्लाह। सूबाई महकमे मैं बात करके माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहा था कि ये जगह जो है ये गवर्नमेंट लैंड है, किसी ने कुछ नहीं दिया, ठीक है, अगर देते तो ये डिले ना होता, ये भी मैं तस्दीक करता चलूँ। उसके बाद ये भी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह जैसे हमारे पहले CM साहिबा ने हमें ख़ास मेहरबानी से और जनूबी पंजाब से वो ख़ास मोहब्बत करती है, उन्होंने उस मोहब्बत का सबूत हमें ये 1122 का दफ्तर ऑपरेशन करके दिया है और इंशाल्लाह ताला मैं अब दोबारा उन्हें इनसे समरी लेके बाकी साहब से AC साहब की मशावरत से उन्हें फूट करूँगा समरी, हमें एम्बुलेंस भी मिलेगी और दो व्हीकल मिलेंगे। दूसरा वो जो टर्बाइन का कह रहे थे वो भी मैं ऑन मीडिया कहता चलूँ कि हमारे टेंडर्स हो चुके हैं, उस टेंडर्स को कोई नहीं चेंज कर सकता, हाँ उसकी और STG स्कीम्स की कोई सेविंग नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हो जो कहते रहे यहाँ पे, वो मैं फिर अब खुल के बात करता चलूँ। मेरा जहन नहीं मान रहा था उस वक्त हम लोग साथ ठहरते, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने चेयरमैन की नुमाइंदगी करता हूँ, अपने सदर साहब की नुमाइंदगी करता हूँ, अपने CM साहिबा की नुमाइंदगी करता हूँ और अपनी पूरी पंजाब हुकूमत का मैं दिफा करने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। उसमें मैं बताता चलूँ ये टर्बाइन भी CM साहिबा देंगे, ख्वाजा सलमान रफीक साहब देंगे, कोई वफाक को किसी को फंड, अगर MNAs को भी फंड मिले तो वो सूबे से मिले, ये मैं तस्दीक करता चलूँ।